2022 का बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश थिएटर्स के लिए क्या कमाल कर रहा है, इसके आंकड़े सामने आने लगे हैं। आमिर खान, करीना कपूर, स्टारर लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर की रक्षाबंधन पूरे शोर शराबे के साथ गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हो गई। दोनों ही फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का ट्रेंड चला और दोनों को ही जनता ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी किया। ऐसे में सबकी नज़र एक ही चीज़ पर थी कि थिएटर्स में दोनों फिल्में पहले दिन कितना कलेक्शन करेंगी। अब लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन ओपनिंग कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं। दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो ठीक ठाक मिली है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों ने जितनी कमाई पहले दिन की उम्मीद से यकीनन कम है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा को क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्यू मिले। थिएटर से शुरू के शोज देखकर ही आ रही जनता का रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर मिला जुला रहा और इससे फिल्म की कमाई पर असर पड़ा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का शुरुआती गलत इस तरफ इशारा कर रहा है कि लाल सिंह चड्ढा ने पहले दिन 111.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। फाइनल कलेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म की कमाई इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी निकले। 2022 में फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन के हिसाब से तो ये नंबर ठीक ठाक ही कहा जाएगा। हालांकि आमिर के कद और उनके बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड के हिसाब से लाल सिंह चड्ढा का फर्स्ट डे कलेक्शन उम्मीद से काफ़ी कम है। अक्षय कुमार की फिल्म के लिए सबसे दमदार फैक्टर ये था कि फिल्म की कहानी रक्षाबंधन के त्यौहार पर बेस्ड थी। कहानी में इमोशन है, परिवार है और अक्षय कुमार हैं, जो त्यौहार पर रिलीज होने वाली फिल्म के लिए बॉक्स ऑफिस पर हमेशा असरदार रहते हैं। शुरुआती गणित कहता है बॉक्स ऑफिस पर रक्षाबंधन का ओपनिंग कलेक्शन 8.20 करोड़ पहुंचा है। हालांकि यह आंकड़ा 2022 में अक्षय की दो बड़ी फ्लॉप फिल्में बच्चन पांडे और सम्राट पृथ्वीराज के ओपनिंग कलेक्शन से कम है, लेकिन रक्षाबंधन का बजट इन दोनों ही फिल्मों से कम है, इसलिए इसकी पहले दिन की कमाई ठीक ठाक कही जाएगी।